ताकि ये सारे डस्ट को और गंदगी को अट्रैक्ट कर ले। तो अभी हम पूरी आधी छत ले लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी कम से कम 2 मिनट हो चुके हैं और फोम धीरे धीरे सारी गंदगी को अब्सॉर्ब कर रहा है और अभी हम 1-2 मिनट का वेट और करेंगे। उसके बाद हम इसको ब्रश की सहायता से और माइक्रोफाइबर टॉवल की सहायता से इसको पूरा रब करेंगे और आपको उसके बाद का रिजल्ट दिखाएंगे। ब्रश का इस्तेमाल करेंगे के बाद ये देखिए क्या साफ चमक गया है, बहुत बढ़िया। ये देखिए बिल्कुल व्हाइट हो गया है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने इस एरिया में फॉर्म का इस्तेमाल कर चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल वाइट हो गया और नीचे गंदगी आपको दिखेगी, ऊपर आधे ही मारा हमने। इस हैंडल को देखिए पूरा क्लियर हो चुका है। इस साइड के रूफ में ये वाइट है और ये पुरानी रूफ है, ये देखिए अंतर आपको नज़र आ जाएगा। ये अभी हमने ड्राई क्लीन की है और ये करनी बाकी है। तो दूसरी छत में भी हमने ये डाल दिया है और अभी हम आपको अंतर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हमने जैसे कि हाफ पार्ट में 3M कार फॉर्मिंग इंटीरियर क्लीनर मारा था, तो अभी यहाँ पर छाया पड़ रही है तो उतना आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये बिल्कुल साफ एरिया है और ये गंदा एरिया, तो आप अंतर ऐसे देख सकते हैं। ये इसमें हमने फॉर्म नहीं मारा है और इसमें हमने फॉर्म किया हुआ है, इसमें आप बिल्कुल क्लियरिटी देख सकते हैं। तो अभी हम इस टेप को निकालने जा रहे हैं, तो आप अंतर देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हिस्से में हमने ड्राई क्लीन नहीं किए और इस हिस्से में हमने ड्राई क्लीन किए। अभी धूप का रिफ्लेक्ट ऐसा पड़ रहा है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इस साइड का एरिया काफ़ी साफ और क्लीन हो चुका है, बिल्कुल आप अंदर तक देख सकते हैं, कोई दाग धब्बे नहीं है और ये एरिया पूरा काला है। तो फ्रेंड्स गाड़ी की आधी हेडलाइनर पर ड्राई क्लीन हो चुकी है, आगे फ्रंट पार्ट में नहीं हुई है, तो आप फ्रंट पार्ट की गंदगी देख सकते हैं, साइडों में ज़्यादा काला है और पीछे की ड्राई क्लीन हो चुकी है, एरिया आपको साफ साफ नज़र आ सकता है। ये धूप की वजह से आपको शायद कुछ क्लियर नज़र ना आ रहा हो।
तो फ्रेंड्स आधे पार्ट्स में हमने ड्राई क्लीन कर दी है और आधे पार्ट्स में हमने ड्राई क्लीन नहीं किए। तो ड्राई क्लीन किए हुए पार्ट्स में आप साफ सफाई देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर सफाई है। और ये है जहाँ हमने ड्राई क्लीन नहीं किए, तो इस पार्ट्स में और इस पार्ट्स में आप अंतर देख सकते हैं कि क्या अंतर है। अब ये पार्ट्स देखिए बिल्कुल सही चमक रहा है, और यहाँ दूसरा पार्ट्स देखिए आप, और ये पार्ट्स देखिए, तो आप अंतर देख सकते हैं। इसी तरह आप सीट में अंतर देख सकते हैं कि क्या अंतर है, पहले सीट कैसी थी और अब सीट कैसी है। फ्रेंड्स अभी हमने इस कपड़े से छत की ड्राई क्लीन की है, तो छत की जितनी गंदगी थी वो इस कपड़े ने, माइक्रोफाइबर क्लॉथ ने सोख ली है। अभी हम आपको जादू दिखाएंगे कि इस कपड़े की असली क्वालिटी क्या थी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी गाड़ी कपड़े ने कितनी गंदगी, तो आप देख सकते हैं ये कपड़ा पहले इस कलर का था और ड्राई क्लीन के बाद ये इस कलर का हो गया है। इसने कपड़े ने सारी गंदगी अब्सॉर्ब कर ली है अपने अंदर। तो आप देख सकते हैं पहले ये कपड़ा इस कलर का था, जब हमने छत की क्लीनिंग करी तो कपड़ा ये इतना काला हो गया है। अभी हम इसको धो रहे हैं तो दोबारा से ये अपने रियल कलर में वापस आ गया है। ये कार के फ्लोर की ड्राइविंग हो रही है। तो हाय फ्रेंड्स, तो कार की ड्राई क्लीन हो चुकी है और फॉर्म वॉश हो चुका है और पॉलिश हम गाड़ी पे कर चुके हैं, टायर पॉलिश वगैरह भी गाड़ी में कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं हम गाड़ी के अंदर का व्यू। ये गाड़ी की सीटें हैं, ये डैशबोर्ड, और ये गाड़ी का फर्श है, पूरा क्लीन कर दिया गया है, और ये रूफ है, पूरी नीट एंड क्लीन कर दी हमने रूफ, और ये डोर है, ये डोर देखिए बिल्कुल चमक गए हैं। ये सीटें, फर्श देखिए पूरा हमने ड्राई क्लीन कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका सीटें काफ़ी हम चमका चुके हैं, अभी ग्लास चमकाने का काम चल रहा है। तो चारों डोर विंडो है और फ्रंट मिरर, साइड मिरर, बैक मिरर सब चमका रहे हैं।
ये गाड़ी का पीछे का व्यू है। गाड़ी हमने पूरी तरह से ड्राई क्लीन कर दी है, बिल्कुल न्यू शोरूम टच इस गाड़ी को हमने दिया है। आप देख सकते हैं इसकी रूफ़ काफ़ी बेहतरीन हो चुकी है।